So, आज हम बना रहे हैं बैगन की चटनी आंध्रा स्टाइल, जिसे बोला जाता है वंकाया पचड़ी। चलिए बनाते हैं। इसमें हम नाइफ के सहायता से चीरा मार देते हैं। इस तरह से स्लिट कर दीजिए। सो चार पांच आपको स्लिट मार देने। अब हम इसके ऊपर लगाएंगे थोड़ा सा तेल। हम बना रहे हैं बैगन से चटनी, जिसे आंध्रा में बोला जाता है पचड़ी। और पचड़ी जो है वो चावल के साथ खाया जाता है और साथ में खाया जाता है घी। अब एक जाली लेंगे और हमें बैगन को पकाना है। तो इस तरह से बैगन को रख देते हैं और अच्छे तरीके से बैगन को रोस्ट करते हैं। चटनी को पचड़ी बोला जाता है। कई सारे रीजन में साउथ इंडिया के पचड़ी बनाई और खाई जाती है। और पचड़ी को बनाया जाता है दो तरीकों से। एक पचड़ी को मैश करके बनाया जाता है और दूसरा बनाया जाता है चॉप करके। बैगन हमारा साइड में पक रहा है और इस बीच हम तैयार करते हैं मसाला। और बैगन हमारा साइड में अच्छे तरीके से भून रहा है और इसी बीच में हम तैयार कर लेंगे मसाला, जिसके लिए मैं लूँगा तिल का तेल। दो चम्मच के आसपास लेंगे। एक चम्मच उड़द धुली दाल और इसे रोस्ट करते हैं। गैस के फ्लेम को हम स्लो रखेंगे और यहाँ पे हम डाल देंगे आधा चम्मच सरसों मस्टर्ड सीड। अब हम लेते हैं ए पिंच मेथी दाना। हम मिलाते हैं लाल मिर्ची, छह लाल मिर्ची का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब मिलाएंगे आठ लहसुन की फलियां और साथ में मैं डालूंगा मद्रास अनियन। पांच से छह सैलेड ले सकते हैं। फायर को बंद कर देते हैं। यहाँ पर डालते हैं करी पत्ता और लास्ट में मिला देते हैं चॉप किया हुआ धनिया। अब इसे ठंडा करेंगे और बैगन को अच्छे तरीके से हमें रोस्ट करना है। और पचड़ी के लिए बैगन हमारा अच्छे से रोस्ट हो गया है और एक प्लेट पे डालते हैं और इसका स्किन जो है हमें बाहर निकाल देना है। तो इस तरीके से हल्के हाथों से हम स्किन को बाहर निकाल लेंगे। और स्किन निकालने के लिए आप हल्का पानी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, गर्म है, जलना नहीं है। रोस्ट करने से बैगन में एक स्मोकी फ्लेवर आ जाता है। ऐसे आप इसे भून के भी बना सकते हैं और इसे निकाल के प्लेट पे रख देंगे। इसी तरीके से हम अपने दूसरे बैगन को भी छील लेंगे। और हमने बैगन को अच्छे तरीके से पील कर लिया है, गरम गरम पील किया है। बैगन ठंडा हो जाए तो भी इसका स्किन बाहर आ जाता है। अब ठंडा करके पील आउट कर सकते हैं। अब हम लेंगे एक मिक्सी का जार और इसमें मिलाते हैं हम मसाला जो अभी हमने तैयार किया है। मैंने इस पचड़ी में डाला है प्याज और गार्लिक। प्याज और गार्लिक है ऑप्शनल, आप नहीं खाते तो आप इसे ना डालें। और साउथ इंडिया में जैसा मैंने पहले आपको बताया कई तरह से पचड़ी बनाई जाती है। कई सारे पचड़ी की रेसिपीज में कोकोनट का भी इस्तेमाल होता है, कहीं कहीं पे दही भी डाली जाती है। तो वो अलग तरह की पचड़ियाँ होती हैं, पचड़ियाँ यानी चटनी। यहाँ पे हम मिलाएंगे इमली का पल्प, ये हम डाल रहे हैं एक चम्मच। लगाते हैं ढक्कन। और हमारा पेस्ट बनके तैयार है। इसमें हम डालेंगे बैगन जिसको हमने रोस्ट किया था। अब इसे अच्छे से मैश करना है। पचड़ी बनाने की जो ओल्ड टेक्निक है उसमें हाथ से पचड़ी को यानी चटनी को मैश किया जाता है। कहीं ना कहीं यह एक पुराना कला है। ऐसा माना जाता है कि हर कोई अच्छे से मैश नहीं कर पाता। कहने का मतलब ये है कि इसके लिए एक एक्सपीरियंस हैंड की ज़रूरत पड़ती है, जो हमारे घर में नानी दादी भाभी इन सबको बोल सकते हैं। अब हम मिला लेंगे पेस्ट जिसको हमने पल्स किया था, दरदरा पीसा था। अब अच्छे से इसे मिक्स करेंगे। आप चाहें तो हल्की हल्दी का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप ग्रीन चिली भी डाल सकते हैं। अब लास्ट में हम डालेंगे स्वाद अनुसार नमक। और अब इसका टेक्सचर देखिए कितना अच्छा प्यारा दिख रहा है। ये बैगन की पचड़ी बनके तैयार है। सबसे पहले लेंगे हम चावल। पचड़ी को चावल के साथ खाया जाता है। पचड़ी यानी चटनी एक तरह का साइड डिश और चावल के साथ काफ़ी मज़ेदार लगता है इसका स्वाद। देसी घी। और अब हम सर्व करते हैं बैगन की पचड़ी, वंकाया पचड़ी। बैगन की चटनी आंध्रा स्टाइल बनके तैयार है, जिसे खाया जाता है, परोसा जाता है चावल के साथ। उम्मीद करता हूं आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए। हम आपके लिए अलग अलग रेसिपियां लेके आते रहेंगे।
और रेसिपी से रिलेटेड किसी भी तरह का डाउट्स अगर आपके मन में आता हो तो मेरे इंस्टाग्राम हैंडल से अश्वनी कुमार सिंह पे मुझे मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।